A very warm good morning, children. So again, we all are here with a new chapter, new topic. In this chapter, we will do an activity from this chapter. In my last class, I asked one question, but you are not able to reply. So I plan this activity to make you learn from it. Okay. So the question was same. Have you ever suffered from diarrhea? How did you feel? ORS solution. Required material are one glass of water, 1 teaspoon sugar and 1 teaspoon salt. So now we are here with the required material. 1 glass of boiled water, salt and sugar. Okay, so now we will start the activity. Actually, we lost a lot of water from our body. This can be dangerous. If we do not take care, it is important that we make up for the water that we lose from our body. We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some salt and sugar in the water. So now what we can do? In 1 glass of water, we have to add 1 teaspoon sugar and a sip of salt. तो क्या किया है अभी हमने इसमें? एक ग्लास उबले हुए पानी में हमने 1 टेबलस्पून शुगर और 1 चुटकी सॉल्ट मिलाया है. Mix 1 टेबलस्पून शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड और कोल्ड वाटर. Taste it, make sure that there is not too much salt. The water should not taste from salty from then our tears. When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother's milk as this is good for them. It is also necessary to take some medicine. They can also be homemade remedies. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. Okay, तो अभी हमने activity के through क्या सीखा? ORS solution बनाना है ना? किस लिए होता है ORS solution? Diarrhea को recover करने के लिए. अभी हम समझेंगे main causes of diarrhea. Diarrhea के होने के main जो कारण है वो क्या होते हैं? First is polluted water. जो गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है. अगर हमारा पीने के पानी जरा भी दूषित है तो ये एक मेन कॉज हो सकता है डायरिया का. स्पॉइल्ड फूड, अगर वो खराब हो गया है, अगर वो ज्यादा दिन का है तो वो कैसा फूड होता है? स्पॉइल्ड फूड, और उसको खाने से डायरिया हो सकता है. साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, हम कुछ दवाइयां लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं जो हमारी बॉडी पर एक अलग ही इफेक्ट छोड़ते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसी एंटीबायोटिक्स जो होती है वो भी डायरिया का एक कारण हो सकती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर हमारे हैंड प्रॉपरली वॉश नहीं है और हम ऐसे ही अनवॉश्ड हैंड से कुछ खाते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है डायरिया का एक कारण. आफ्टर द मेन कॉजेस ऑफ डायरिया, नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स ऑफ डायरिया, है ना? तो फर्स्ट सिम्टम इज पेन एब्डोमेन, आपके पेट में दर्द होता है, ये इसका एक सिम्टम्स है. नेक्स्ट नोजिया, नोजिया मीन्स आपको चक्कर आते हैं. थर्ड इज वॉमिटिंग फील होता है आपको, हल्का फीवर फील होता है आपको और डिहाइड्रेशन कमजोरी फील होती है. तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? पेन एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, लो फीवर एंड डिहाइड्रेशन. Now we have some precautions and remedies for the diarrhea. हमको जब ये symptoms समझ में आते हैं तो हमको कुछ precautions लेने होते हैं और कुछ remedies follow करनी होती है. तो उसमें से कुछ मैं आपको इधर बता रही हूँ. Drink lot of water. जब भी आपको dehydration लगता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? Drink lot of water. आपको बहुत सारा water पीना शुरू करना है. उसके बाद hand washing with soap. आपको अपने personal hygiene का ध्यान देना है. आपको time to time hand wash करते रहना है. गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन और फूड हाइजीन, जो भी आप खा
खाएं, बहुत ही साफ खाएं। फूड हाइजीन का आपको बहुत ध्यान देना है, और जब भी आपको खाना है हैवी फूड नहीं खाना है आपको, उस टाइम पे लाइट फूड लेना है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपको, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आपको बहुत पानी पीना है, आपको अपने हैंड वॉश करना है टाइम टू टाइम, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन और फूड हाइजीन का ध्यान रखना है, लाइट फूड आपको खाना है। व्हाट वी लर्न टुडे, टुडे वी वर लर्न अबाउट हाउ टू मेक ORS solution at home. First, second, symptoms of diarrhea. Third, main causes of diarrhea. Fourth, some precautions and remedies for the diarrhea. Now, it's time to some observation. अभी आपको मैं दो question दे रही हूँ जो आपको observe करना है और इनके answer आपको search करना है. First is, where does the water in your school come from? आपके school में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ से आता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। सेकेंड इज, हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ऐसे कौन कौन से आइडिया हैं जिनसे हम ड्रिंकिंग वाटर को सेफ बना सकते हैं, साफ बना सकते हैं, है ना। तो ये दोनों आपको सर्च करना है। सो इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।